चलो अभी एनालिसिस करते हैं। आइए बेटा, इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे पिछली क्लास से रिलेटेड एंड इस क्लास से रिलेटेड, क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ चुके हैं और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो समझाने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, वन डायमेंशन में जिसमें केवल एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल लाइन। ओके, तो जब 1D है तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, कुछ भी लिखिए आप, वो 1D को रिप्रेजेंट करेगी। इन 2D दो वेरिएबल आ जाएंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू समथिंग, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे। अब आपको ये सही है, तो दो वेरिएबल में भी होती है, बिल्कुल होती है बेटा, तो दो वेरिएबल में है ये, तो उस टाइम वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा वो पॉइंट। भाई यहाँ ये क्या हुआ, वन डायमेंशन में क्या हुआ, वन डायमेंशन का मीनिंग हुआ कि रियल एक्सिस, तो इस रियल एक्सिस पे या एक्स इज इक्वल टू ये पॉइंट है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 पॉइंट है सपोज कीजिए, बट जब आप 2D में आएंगे तो यही पॉइंट वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड हो जाएगा। पर यहाँ क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट है, इस एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट को वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे एक्सटेंड कर दो, खींच दो इसको पकड़ के, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच दो, तो मैंने खींच दिया, देखिए तो ये लाइन बन गई एक्स इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ 2D, बताइए समझ में आई बात। उसके बाद इन केस ऑफ 3D के अंदर लाइंस ऐसी होंगी एक्स प्लस वाई प्लस 2Z इज इक्वल टू 3, ऐसी होंगी ना बेटा, नहीं बेटा ऐसे नहीं होंगी, यही मैं गलती आपको बताना चाह रहा था कि आप ये सोचेंगे जैसे वहाँ एक वेरिएबल, फिर दो वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, फिर ऐसे तीन वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, तो वो क्या है, लाइन की इक्वेशन इन 3D, नहीं ऐसा नहीं है, ये लाइन की इक्वेशन 3D में नहीं है, ये एक्चुअल में प्लेन की इक्वेशन है, ये एक्चुअल में क्या है, प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब प्लेन क्या होता है वो बाद की बात है, प्लेन क्या होता है पूरा डीप में करेंगे, पूरा बड़ा चैप्टर है, इवन 8 दिसंबर में तो 10-15 एक्सरसाइज है, राइट। तो अब हुआ क्या, मैं 3D में जैसे ही आया बेटा, मैं जैसे ही 3D में आया तो मैंने क्या किया, अभी 2D में x इज इक्वल टू 1 था ना, x इज इक्वल टू 1 ये स्ट्रेट लाइन हो चुकी थी, दिस वन इज x इज इक्वल टू 1, राइट बेटा। मैंने इस x इज इक्वल टू 1 को कैसे बनाया, जो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट था ना, मैंने इसको y एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड किया एंड वो एक लाइन बन गया। अब एक चीज़ देखिए आप, मैं एक पेज लूँ, उस पेज को ऐसे फोल्ड कर दूँ, ऐसा दिखेगा नियरली लाइक मार्कर, और मैं उस पेज को पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो पूरा प्लेन तैयार हो जाएगा ना, समझ लो ना, जिग जैग पाथ में उसको फोल्ड कीजिए एंड आप शो कर सकते हो। तो मैंने इसको भी ऐसे ही पकड़ा, इस लाइन को ऐसे कैच किया और ऐसे ऐसे एक्सटेंड किया, और जैसे मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो ये कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, समझ लोगे शायद, दिस विल बी लाइक ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इन द केस ऑफ 3D दिस टाइप ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्लेन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, क्या ऐसे होती है बेटा, कैसे, x-x1/a1 इज इक्वल टू y-y1/b1 इज इक्वल टू z-z1/c1, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, शायद आ गया समझ में आपको, राइट। तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू कंसेप्ट। देखो दोनों चीज़ जरूरी है, क्वेश्चन निकालने भी जरूरी है बेटा, कंसेप्ट क्लियर भी जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर तभी क्वेश्चन निकलेंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ा अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे तो और बेस्ट है, ठीक है ना। फिर से वही बात हमारी, क्या प्रैक्टिस करते रहना, ओके बेटा।